तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। भगवान पाणिनि ही येषां सूत्राणां निर्माणं कृतवान्। भारतस्य या ज्ञान राशि ही वर्तते सा ज्ञान राशि ही तेषां सूत्राणां माध्यमेन एकस्यां तादृश्यां भाषायां निबद्धा अस्ति। यत् अद्य पर्यन्तं कोटिशः मैनुस्क्रिप्ट अपि सन्ति, कोटिशः साहित्यं प्रकाशितं, कोटिशः वर्षाणि जातानि, तथापि सा ज्ञान परंपरा मध्ये अवच्छिन्ना नास्ति। प्रत्येकमपि काले प्रतंत्रकालः स्यात् स्वतंत्रकालः स्यात् सर्वदा अपि तया भाषया या ज्ञान राशि आसीत् सा निरंतरं प्रवाहमाना आसीत्। कभी भी संस्कृत जगत का, संस्कृत साहित्य का लेखन बंद नहीं हुआ है, चाहे प्रतंत्र काल रहा हो अथवा स्वतंत्र काल रहा हो। जब से पाणिनि अष्टाध्यायी का आविर्भाव हुआ है तब से उस व्याकरण की भी एक परंपरा निरंतर चलती रही है। और उस निरंतर चलने वाली परंपरा में आप देखेंगे कि एक तरफ लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, वरदराज आचार्य, भट्टोजी दीक्षित जी, नागेश भट्ट जी, अनेक व्याकरण इस देवभूमि भारत पर अवतरित हुए हैं, जिन्होंने उस पाणिनि अष्टाध्यायी को आधार बना करके कैसे समाज के लिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक भवित, सरल भवित, प्रक्रिया कैसे सरल भवित, उसके लिए उन्होंने अनेक कार्य किए, अनेक ग्रंथों की रचना की, अनेक व्याख्याकार हुए, किंतु सभी का मूल आधार पाणिनि था। क्योंकि पाणिनि ने ही जितने पुराने, और पाणिनि इतनी अष्टाध्यायी इतनी सरल बनाई कि जिसके कारण भारत का बच्चा बच्चा भी पाणिनि अष्टाध्यायी को जाने। और निकुंज जी आप एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, पाणिनि अष्टाध्यायी को जाने ताकि जो भारत की भाषा है वो शुद्ध रहे और जो ज्ञान परंपरा है उसके साथ एक कनेक्टिविटी बनी रहे। अब एक ज्ञान राशि जिस भाषा में निहित है और यदि हम उस भाषा को न जाने, ये बिल्कुल उस तरीके से होगा कि हमारे माता पिता ने हमारी संपत्ति की वसीयत लिखी थी लेकिन उस वसीयत की भाषा को हम नहीं जानते, और उस भाषा को में क्या लिखा था, हमारे नाम कितनी संपत्ति लिखी थी उसको हमारी जानकारी में नहीं है, वो हमें नहीं पता। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितना नुकसान किया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, फिर हम आगे प्रारंभ करते हैं कि हम पाणिनि अष्टाध्यायी को पढ़ करके उन शास्त्रों तक पहुंचने वाले हैं जिन शास्त्रों को पांडुलिपि केंद्र में केवल अभी तक रखा गया है, हम लोगों ने देखा तक नहीं, नाम तक नहीं सुना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, 2018 में एम्स में एक अफगानिस्तान से लड़की आई जिसके नाक की सर्जरी होनी थी, और ये दैनिक जागरण की न्यूज हेडलाइन मैं आपको बता रहा हूँ जिसका टाइटल था आधुनिक सभी पद्धतियां फेल, 2500 साल पुरानी पद्धति पास। यानी 2500 साल पहले सुश्रुत ने जो शल्यक्रिया, सर्जन, सर्जिकल टेक्निक्स दी थी उनके आधार पर जब उन्होंने उस उनकी नाक का ऑपरेशन किया तो वो नाक बिल्कुल ठीक होगी और वो पास था वो ऑपरेशन। जब उनकी साइट टेक्निक फेल होगी तब उन्हें लगा कि चलो अब एक बार हम सुश्रुत को उठा करके देखते हैं जो भारत के सबसे पहले शल्य चिकित्सक कहलाते हैं, जिनकी सुश्रुत संहिता एक ग्रंथ अपने आप में प्रसिद्ध है। तो उसके आधार पर जब उन्होंने उस बच्ची का ऑपरेशन किया तो वो सक्सेसफुल रहा। अब यदि वही विद्या हमारे सारे के सारे ग्रंथों की, ये बंद करना जट, यदि वही विद्या हमारे जो आधुनिक विज्ञान के ग्रंथ है उनके साथ पढ़ाई जाए तो वो ज्ञान परंपरा फिर से हमारे बच्चों तक पहुंचेगी और वही ज्ञान परंपरा फिर से समाज में पहुंचेगी और जो करोड़ों मैनुस्क्रिप्ट आज तक प्रकाशित नहीं हुई है उनको प्रकाशन होने का भी मौका मिलेगा। चलिए आज हम प्रारंभ करने वाले हैं प्रत्याहार सूत्र।
कल हमने एक अनुपूर्वी को किया था, ये महत्वपूर्ण था। आपने से बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में भी इसका वर्णन किया है, मतलब ग्रुप में भी आपने कई सारे लोगों ने भेजा है उसके अलग अलग। माहेश्वर सूत्र, एक बार मैं माहेश्वर सूत्र के बारे में बताना चाह रहा हूं कि पाणिनि अष्टाध्यायी की चाबी, मतलब संस्कृत भाषा की चाबी तो पाणिनि अष्टाध्यायी है, और पाणिनि अष्टाध्यायी की चाबी माहेश्वर सूत्र है। दिखाई दे रहे हैं मुझे लगता है सभी को जी। और पाणिनि अष्टाध्यायी की चाबी क्या है? माहेश्वर सूत्र, ये है असली। इसके बिना आप पाणिनि अष्टाध्यायी में एक कदम भी नहीं चल सकते, एक सूत्र का भी ज्ञान नहीं कर सकते। ये एक तरफ है और पूरी पाणिनि अष्टाध्यायी एक तरफ है, ये मान करके चल सकते हैं। यानी बहुत बड़े ताले की छोटी सी चाबी, इसके माध्यम से ही आप सूत्रों को खोलेंगे, इसके माध्यम से ही आप वर्णों को जानेंगे, और इसके माध्यम से ही आप पाणिनि के ज्ञान राशि में प्रवेश कर पाएंगे। तो एक बार हम इसका उच्चारण करेंगे, तो मैं चटका आराध्य से बोलता हूँ, एक बार उच्चारण करेगी। आप पीछे बोर्ड पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। बोलो। हाँ। आई उन रिल रिक ए ओम आई आउच हया वारट लन यमगणनम झभय घडधश जबगडधश खफ छठ थ चट तव कपय शशसर हल। एक बार फिर से हम इसका उच्चारण करेंगे, और आप भी अपना माइक, आपका माइक म्यूट है और आप म्यूट ही, आप सभी एक बार बोलेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको क्रम से और शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे, आप प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे, और उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। एक बार फिर से हम इसका उच्चारण करेंगे। इधर से एक बार बोलेंगे, आप अपने आप जहां पर है आप वहीं पर बोलना, उसका अनुवाचन करेंगे। आई उन आई उन रिल रिक ए ओम आई आउच हया वरट लन यमगणनम झभय घडधश जबगडधश खफ छठ थ चट तव कपय शशसर हल। अभी आप में से जिनको लगता है कि हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, तो आप में से एक बार कौन करना चाहेंगे वो अपना रेज हैंड करें, हम उन्हें अनुमति देंगे। जयेश डालिया जी, रामा जी, पार्थ मनोरलिया जी, अच्छा सभी को याद है क्या? चलिए चलिए, पहले संध्या गुप्ता जी से हम बुलवाना चाहेंगे। संध्या जी आप अनम्यूट कर लीजिए और एक बार इनका उच्चारण करें। रिरिक ए औं आई औच है वरट लण इयम गणनम झभय गडदश जब गडदश ख फ छठ त चट तव कपय शशसर हल। चलिए धन्यवाद संध्या जी। सुमन केसरवानी जी, जब गड़ दस खफ छठ थ चट तव
कपय स स सर हल। चलिए अंतिम में एक बार लेते हैं, पार्थ मनोरिया जी। अ उण रिल रिक ए ओंग आई औच हया वरट लण यमगणनम जभय घड़धश जबगड़धश कफ चटत चटत कपय शश सर हल। बहुत सुंदर अंग। अधुना ये किन जिन्हें याद हैं वे एक बार रीचेंट करेंगे, अभी हम इसको हटा देंगे और इसको बिल्कुल क्रम से हमें बोलना है, समय क्रम से जो बोल सकते हैं वे रीचेंट करेंगे। साधना यू मेहता जी। महोदय जी आई ओन रिल रिक स्मरण है? हाँ जी हाँ जी, जी ए आई आउच हयवरट लाण यंग मगणनम जबय गढ़दस जब गढ़दस खप चटथ चटतव कपय शशशर हल। चलिए बहुत सुंदर साधना जी। इसके बाद नूतन कुलश्रेष्ठ जी। आम महोदय आई उण रिल रिक ए ओम आई औच हैवरत लण यम गण नम छ भय खड़ धश जब गड़ दश खप छठ थ चट तव कपय शश सर हल। बहुत सुंदरम, बहुत शोभनम। अग्रे एकमी तो भी स्वीकृत्य अग्रे चलामः। कः उक्तवान? रुद्र नारायण जी। आई उण रिलृक ए उं आई औच हयावरट लण न्यमगणनम झवय घड़धस जब गड़धस खफ छठ थ चट तव कपय ससर हल। बहुत सुंदरम। पार्थ मनोरिया जी स्मरति। चलिए शिल्पा पटेल जी। हाँ अधुना करो तो अनम्यूट। महेश सूत्राणी अ ई उण रिलृक् ए ओं ऐ औच हय वरट लण यमंगणनम जभै गड़दश जब गड़दश खफ छठथ चटतव कपै शससर हल। बहुत सुंदरम। अग्रे रामायण सूर्या। मुझे पार्थ मनोरिया अभी अस्ति। आई वन रुलक ए ओम आई आउच हाय वरट लर न्यामानानम जबाई घड़धस जबगड़धस खपा छठा था चटतो कपाई सहसर हल। इति माहेश्वरानी सूत्राणी। बहुत सुंदरम। किम उक्तवानासीत् भवान? पार्थ मनोरिया वदतु। पार्थ मनोरिया जी जी। अ ई उण रिल रिक ए ओं आई औच हय वरट लण यमगणनम जभै घड़धश जब गड़धश खफ चटत चटतव कपय शशसर हल। बहुत सुंदरम। अंशिका जैन जी। ओ रीजेंट करो तो अंशिका महोदय पुनः। चलो तब तक दीपा सेन। आई उण रिल रिक ए ओं आई औच हय वरट लण
झवाई यमन गणनम जबा गढ़ झवाई घड़ाधस जब गढ़ाधस ख प छ ठ त च ट तव कपई श शतर हल हल जी। अधुना अंशिका जैन जी। जी महोदय। आई उण रिल रिक ए ओं ए ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभई घड़ धश जब गढ़दश खफ छठ थ चट तव कपई शश सर हल। महोदय मुझे एक डाउट भी पूछना था तो वो मैं अभी पूछ लूं क्या? बताएं। जब हम एथ वाले में झबई बोलते हैं तो यहाँ पे या का प्रोनंसिएशन अलग होता है, और जब हम सेवेंथ वाले में यम गण नम बोलते हैं तो यहाँ हम या की तरह प्रोनाउंस करते हैं, तो इसका मतलब कोई एक प्रोनंसिएशन है या चेंज होता रहता है? ना ना, प्रोनंसिएशन कोई चेंज नहीं है, दोनों का नासिका से उच्चारण है, वहां पर भी यम गणनम नकार नासिका से बोलना चा, 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 जब भी हमें डाउट हो तब हम आज हम उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे, जब भी हमें वर्ण पर उच्चारण हो तो उसके साथ का जो वर्ण है उसका उच्चारण कर लेंगे, जैसे च छ ज झ ञ ठीक है जी। त थ द ध न, तो च छ ज ज ञ नकार है लेकिन नासिका के द्वारा है और वो चकार है, यानी हमारा जो स्पर्श है वो तालु जहां से च बोला जाता है वहीं से ञ बोला जाता है, आप समझ रहे हैं जी। सारे के सारे वर्ण है नहीं, किंतु प फ ब भ म, अब म को हम ना नहीं बोल सकते क्योंकि होठ बंद करके आप ना बोलिए नहीं बोल सकते ठीक। आगे हम उच्चारण पर बात करेंगे तो उच्चारण एक ही है ठीक जी महोदय। अच्छा प्रश्न था, चलिए एक अंतिम लेकर के यहाँ पर हमारे साथ प्रीति श्रीवास्तव जी भी जुड़ी है जी, डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव जी। बदामी आम नमन वदतु कुत्र गता, रेज हैंड करो तो पुनः। अस्तु तावत् भावेश जरीवाला जी। माहेश्वर सूत्राणि अ ई ओ ल र ऋ ऋक् ए ओ औ ए औच हय वरट लण यम गणनम झभै गढधश जब गढधश ख फ छठ थ चट तव कपै स श षड् हल। चलिए बहु सुन्दरम्। तर्हि अधुना अस्माकं माहेश्वर सूत्राणि अस्माभिः स्मृतानि, हमें याद हो गए, जिन्हें नहीं हुए हैं तो वो एक मिनट का भी हम समय ले लेंगे या बीच में आप आंखें बंद करके और भगवान पाणिनि शिव को याद करें, अपने इष्ट देव को याद करें और एक बार मन ही मन उन सभी सूत्रों को दोहरा लें, क्योंकि उनके बिना गाड़ी नहीं चलेगी एक कदम भी ठीक है, क्योंकि हम पहले याद करेंगे तभी हम आगे, ये बिल्कुल एबीसी की तरह है और वर्णमाला के क ख ग की तरह, इसलिए आंखें बंद करेंगे एक मिनट के लिए सब दोहराएंगे। अस्तु तर्हि अहं चिन्तयामि अस्माभिः सर्वैः अपि
मनसि एतस्य उच्चारणं कृतम् अस्ति। अधुना अग्रे चलामः। अस्माकं यानि महेश्वर सूत्राणि सन्ति अधुना वयम् एतेषां प्रत्याहार निर्माणं कथं भवति तस्य किञ्चित् चर्चां करिष्यामः। बोर्ड् द्वारा अपि पठामः अत्रापि। अत्र पश्यतु अ इ उ ण सम्यक् अन्तिमे णकार अस्ति। अस्माभिः पूर्वम् उक्तमासीत् अ इति न वदामः संस्कृते, अकारः इकारः उकारः णकारः। अत्र अकारः इकारः उकारः इति अस्माकं स्वरः सन्ति, नकारः इति व्यञ्जनमस्ति, किन्तु अत्र हलन्त्यमस्ति। तर्हि अन्तिमे पश्यतु सर्वत्रापि नकारः ककारः अङ्कारः गकारः चकारः टकारः णकारः मकारः ञकारः षकारः षकारः वकारः यकारः रकारः लकारः सर्वत्र अपि हलन्त्यमस्ति। ये सारे के सारे वर्ण हलंत वाले हैं, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम आगे प्रत्याहार सूत्र बनाएंगे तो इन्हीं सब की इत संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। इत संज्ञा का अर्थ है यहां पर, हाँ। अब हम इत संज्ञा को पढ़ेंगे, प्रत्याहार कैसे बनाएंगे उसको बाद में जानेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा इत संज्ञा के बारे में जानना है कि इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो व्यंजन है उनका नाम इत है। इन इतों को अनुबंध भी कहा जाता है। इत तथा अनुबंध पर्यायवाची है। हलंत्यम उपदेश में जो अंतिम हल है उसकी इत संज्ञा होती है तस्य लोपः सूत्र से, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक उपदेश शब्द आया है तो आप उपदेश के लिए चलते हैं। व्याकरण शास्त्र में जो धातु है, प्रत्याहार सूत्र है, प्रत्यय है, आगम आदेश आदि जो कहे गए हैं बाद में भी, हम उन्हें ही उपदेश कहते हैं। उपदेश का अर्थ यहाँ जो हमारे मुनि त्रय हैं पाणिनि कात्यायन महाभाष्य अथवा भगवान शंकर, इन तीनों के द्वारा जो शब्द बोले गए हैं वो उपदेश कहलाते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आगे शब्दों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब उनके अंत में जो हलंत वाले हैं जैसे कि न क च, आगे जब हम देखेंगे जो धातु होंगी उनसे जब हम शब्द बनाएंगे तो उनमें भी जो हलंत होंगे उनका लोप होगा, हलंत्यम का हलंत्यम से और तस्य लोप से उनका लोप हो जाएगा, ठीक है। इनकी इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, ठीक है। अब ये सारी की सारी प्रक्रिया जब हम इत संज्ञा पढ़ेंगे तब और ज्यादा जानेंगे। अभी केवल इतना जानते हैं कि जितने ये माहेश्वर सूत्र है उनमें जो अंतिम नकार है उसकी इत संज्ञा होगी, बस इतना अभी हम समझ लेते हैं। यानी जितने हलंत वाले हैं न क क ये सब लोप हो जाएंगे, यानी हमारा क्या बचा, केवल अ ई उ, ठीक है। अब जैसे हमने बचपन से एक सूत्र बहुत सुना है, संधि पढ़ी होगी हमने कक्षा 6 में 7 में 8 में, तो आप पर सूत्र आया होगा इको यणची, एक स्थाने यण स्यात अची परे, बस हम इन पर बात करते हैं। तो इको एक का मतलब क्या है, यानी इकह यानी प्रथमा विभक्ति, तो वहां पर क्या एक एक प्रत्याहार हमें बनाना है। तो एक क्या है, किसी को भी कहेंगे भाई एक क्या है, यदि प्रत्याहार सूत्र नहीं पता, ये 14 माहेश्वर सूत्र है इनका नहीं पता तो एक को नहीं समझ सकता, रटेगा, क्या रटेगा कि एक मतलब ई ऊ री ली ऐसे ये शब्द, एक एक शब्द रटने की बजाय आप केवल ये 14 माहेश्वर सूत्र याद कर लो और फिर आपको कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसमें कहा इक, तो यहां पर आप देखो ई ऊ ना को हमने छोड़ दिया क्योंकि ये लोप हो गया हलंत्यम, इसको हम नहीं गिनेंगे कहीं पर भी नहीं गिनेंगे, कि जब भी हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इड सूत्रों के अंत में आए हुए किसी भी वर्ण की गणना हम कहीं पर भी नहीं करेंगे किसी भी प्रत्याहार को बनाने के लिए, ठीक है। अब जो इक है वो इक एक प्रत्याहार है,
ठीक है, यण एक प्रत्याहार है, अच एक प्रत्याहार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक की बात करते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ई ऊ ना को छोड़ दिया, री लरी, और क इक है, यानी ई से लेकर के क तक, आप समझ रहे हैं, ई से लेकर के क तक। अब ये सारे के सारे क्या हुए, ये वर्ण इक प्रत्याहार के अंतर्गत आए। यदि किसी ने कहा इक, तो इक का मतलब है ई ऊ री लरी अलम, बस पर्याप्त, न और क नहीं गिना जाएगा, ठीक है। अब फिर कहा हमने यण, तो यण में देखो य कहा है, ये रहा हय वरट में आ गया य, और न ये रहा देखो, तो य व र टा तो हलंत्य में, इसकी गिनती नहीं होगी, हमने इसको छोड़ दिया, तो य व र ल, ठीक है, तो यण हो गया। और अच यदि हम कहते हैं तो अ ई उ री लरी ए ओ आई औ, बस च हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो अब यदि हमने कहा हल, हल अच का मतलब होता है सभी स्वर, आपको सभी स्वर कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को ये नहीं कहना अरे वो स्वर आपने पढ़े हैं, या फिर आपने जो आई ओ री ये सारे आपने पढ़े हैं, उसकी बजाय हमने कहा अच, यानी सभी स्वर, यहां पर भी दो शब्द है, सर्वे स्वरहा कहने की आवश्यकता नहीं है, बस आप कह दो अच, अच आपने कहा, तो अच का मतलब हो गया कि अ ई उ री ली ए ओ आई ओ, बस ये इन्हीं में सारे के सारे स्वर है, ठीक है। अब हमने कहा सारे सारे के सारे व्यंजन, तो हल हा से लेकर के ला तक, या नीचे लास्ट में ला, हा या वा रा ला न्यम नननम, सम्यक, सारे के सारे हमारे व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रत्याहार बनाएंगे, 42 प्रत्याहार हमारे पाणिनी व्याकरण में प्रयोग किए गए हैं, यानी 42 पाणिनी व्याकरण में प्रयोग किए गए हैं, दो को अभी हम बात नहीं करते, कुछ लोग 44 मानते हैं, जो कि उनादि कोश में कुछ सूत्र है जिनके लिए दो और गिने जाते हैं, किंतु उनकी गणना हम यहाँ पर नहीं कर रहे, हम यहाँ पर पाणिनी अष्टाध्याय की गणना कर रहे हैं, जिसमें कि हम 42 प्रत्याहार मानते हैं, लेकिन हम 42 प्रत्याहार पाणिनी अष्टाध्याय की दृष्टि से मान रहे हैं कि हम इनसे केवल 42 बनाएंगे, लेकिन हम इनसे तो हजारों बना सकते हैं, ठीक है। जब आप कोई दूसरी पाणिनी अष्टाध्याय की रचना करना चाह रहे हैं और महेश्वर सूत्रों को ले रहे हैं, तो आप 1000 बना लो, क्योंकि पाणिनी ने अपनी अष्टाध्याय की रचना करते समय केवल 42 प्रत्याहारों का ही वर्णन अपनी पाणिनी अष्टाध्याय में किया, तो इन्होंने इनसे 42 ही बनाए हैं, ठीक है। तो अभी आगे चलेंगे कि हमने एक एक सूत्र से कैसे कौन कौन से प्रत्याहार बन सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी पाणिनी प्रत्याहार बनाने के लिए आपका गया भाई, यस ये देखिए, अयुण ये हमारे एक प्रत्याहार सूत्र है, ठीक है, पहला, और इससे हमने कितने प्रत्याहार बनाएंगे, 1। ये सूत्र पाणिनी महेश्वर सूत्र है, और पाणिनी अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया, इसलिए 42 है, नहीं तो आप कोई भी कह सकता है कि भाई आई उण तो इससे कितने प्रत्याहार बनाए, तो भैया आपने तो अण कहा है बस, सिमरन जी कह सकती है, नहीं तो आप वो मुझे पूछे कि अच्छा इन बनाओ, तो मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने तो प्रत्याहार सूत्र रट रखे है 14 के 14, आप मुझसे 1000 बनवा लो, आप समझ रहे हैं। वो कहे कि क्यों भाई, सिमरन जी कह रही है कि तुम जो है उन बनाओ,
तो मैं तो बना दूंगा उण कहते ही, मैं कर दूंगा ऊ न, तो उण हो गया और ना को हटा दूंगा तो केवल हुआ ऊ, इन कहते ई ऊ, समाप्त बात, क्लियर। अब इसमें अण आई उण प्रत्याहार से सॉरी सूत्र से एक प्रत्याहार बनेगा अण, ठीक है, जिसमें कौन कौन से वर्ण होंगे अ ई उ, ठीक है। ऐसे रिल रिक इससे कितने बनेंगे तीन। अब देखो तीन कैसे बनेंगे, अक इन्होंने कहा है पाणिनि में तीन पर अक है, तो अ ई उ रिल री और क तक, तो न और क ये दोनों नहीं रहेंगे तो कौन से बने अक, ठीक है सिमरन जी समझ आ रहे हैं, बढ़िया। तो फिर उसके बाद इक, तो ई उ री ली, तो क्या हुआ इक, यहां पर क चला जाएगा तो कौन से वर्ण हुए अग इक प्रत्याहार में, इक प्रत्याहार में वर्ण हुए ई उ री ली, ठीक है। ऐसे उक उ और क। चलिए अब अपना रेज हैंड करेंगे, मैं अब इनमें से प्रश्न हम करते हैं कि किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है वो आप लोगों को बताना है। चलिए मैं नाम था सौरभ जी, सौरभ जी आप बताइए एंग, एंग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। जी चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं अभी ले सर, लेता आवाज आ रही मेरी? हाँ आप बताएं सौरभ जी, नहीं आ रही है। चलिए आशीष शुक्ला जी आप बताएं जी, कौन सा प्रत्याहार महोदय? एंग 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 प्रत्याहार होगा ए ओ ए ओ ए ओ, यानी कितने वर्ण हुए हमारे, केवल दो, अतनास्तिक की समस्या सम्यक। सिमरन जी आप बताएं, आपको बताना है अच, अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं। आ अच में ए ओ रे ले आ रे आएगा ना, हाँ हाँ ए ओ रे री भी तो आएगा ना, रील री एन ए ओ ई आई और औ, सारे सारे स्वर आएंगे। अब ई कहाँ से आ गया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, अच्छा लास्ट वाला नहीं है, ठीक है ना। आज जब हमने कहा अ ई उ न को छोड़ दिया, करेक्ट कर, हाँ जी, रील री का को छोड़ दिया, ए ओ उंगा को छोड़ दिया, आई औ च को छोड़ दिया, ठीक है जी जी जी। अब ऐसे पीछा नहीं छूटेगा, एक और बताइएगा तब इच बताइए। इच हाँ हाँ जी इच में आएगा ए आई और औ, हाँ सॉरी इच में क्या बताया आपने, ई आई आई और औ, ना 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 इच मैंने कहा आप इच वर्णों को लेकर क्या इच प्रत्याहार बनाइए आप, ठीक है इच प्रत्याहार है, तो इच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, इच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, आई और औ नहीं आएंगे, अच्छा ठीक है उ उ रि लि ए ओ आई औ, एक सेकंड गलत है आप क्या? तो इच प्रत्याहार में सबसे पहले क्या है ई, ठीक है ई है यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब ई आप देखो कि आपके पास जो प्रत्याहार है उसमें ई कहाँ पर है, फर्स्ट वाले में, पहले वाले में, यहाँ पर हो गया तो इसको उठाओ, इसके बाद में आगे तक चलता चलेगा ई उ री ली ए ओ आई औ और यहाँ पर आपका च है, ठीक है, यानी ई से लेकर के और च तक उसके बीच में जितने वर्ण हैं वो सारे के सारे इच प्रत्याहार में आएंगे, अंतिम हलंत को छोड़कर को छोड़कर, क्लियर हो गया। चलिए अब बताइए एच, एच हाँ एच आएगा
ओ आई औ नहीं, फिर से बताइए। एच में आएगा यहाँ से ए ओ आई औ सॉरी ए में ए औ ए ओ आई औ समय। चलिए धीरज जैन जी आप बताएंगे। धीरज जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। बताइए अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अट में सर जी ए ई आवाज आएगा? बिल्कुल महोदय आवाज आगच्छति वदतु भवान। चलिए बहुत सुंदर। किशोर जी अब आप बताइए अम प्रत्याहार में के वर्णा भविष्यन्ति? आम महोदय अ ई उ रि लिक् ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ण न। हाँ क्लियर है, सम्यक अस्ति। अधुना लिट्टी प्रसाद जी भवती वदतु। नमस्ते जी, भवती वदतु अङ्गम अङ्गम एतत् अङ्गम। न न न न किंतु आरंभिक वर्ण यद अस्ति उसको ना? साथ में लेकर के ना? आदि हाँ आदि में जो ग न समय गकार नकार नकार इति त्रिणी वर्ण समय। चलिए स्वाति कोकम जी धन्यवाद लिटि महोदय नमो नमः। भवती वदतु यय यय य व र ल ञ म ग य म ग न झ भ झ भ सम्यक। चले मनीष जैन जी सम्यक धन्यवाद स्वाति महोदय धन्यवाद। मनीष जैन महोदय भवान वदतु अश अ ई उ रिल रि ए ओ ऐ ओ हय वर ल यम गण न ज भ गड द जब गड द ख फ छ ठ त कप श। अस्तु धन्यवाद मनीष महोदय। अहम चिंतयामि इदानीं सर्वेषाम् अपि ज्ञानं जातम् अस्ति यत् केन प्रकारेण वयं प्रत्याहार सूत्राणां द्वारा वर्णानां ज्ञानं कुर्मः। सम्यक्। अन्तिमे कृष्णा शुक्ला महोदय वदति पुनः अहं प्रत्याहार वदामि भवन्तः चैट बॉक्स मध्ये वर्णान लिखन्तु। सम्यक्। अहं कृष्णा शुक्ला महोदय कुत्र गता अस्ति? भवती वदतु झर झर झ झ झर बोलना है? हाँ जी झ म घ ड ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प य श श स। हाँ क प य या ना भविष्यति क प श श स। हाँ ये तो ही क प य अस्ति। अधुना किम अस्ति? श श स इति त्रयः अपि सकारः तत्र भवन्ति। सम्यक्। सुशील महोदय नेहा जी किशोर महोदय एक एक प्रश्न अस्ति अंतिमे हल आम
प्रत्याहार अस्ति तत्र ह ह या वर स्टार्टिंग एंड एंड तक आएगा ना पूरा। हाँ बिल्कुल, जब हम हल कहेंगे तो वो दो हल इसी लिए वो दिए गए हैं, तब प्रारंभ से लेकर के और अंत तक हल को करेंगे, लेकिन वहां पर हम एक ही ह को गिनेंगे, इस प्रारंभ वाले ह को नहीं गिनेंगे, ठीक है? ओके, जो प्रारंभ वाला ह है इसकी गणना नहीं करेंगे, अंत वाले ह की गणना करेंगे, ठीक है? हल प्रत्याहार बनाने के लिए ही यहाँ पर इस ह को लिया गया, जिससे कि हम ये कह सके कि व्यंजन हल है जो ये है, ठीक है? चलिए अब मैं इसको यहां से हटाता हूं। अभी तक तो हम सामने सूत्र हमारे दिखाई दे रहे थे, उनके आधार पर हम वर्ण बना रहे थे। अब हम ऐसा करेंगे कि जितने अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है? अब हमें बोलना है, कौन बोलेंगे ये आप तय करिए। चलिए मैं नाम लेता हूं और वे बताएंगे। स्वाति सिंह जी वीडियो ऑन करेंगे और मैं प्रत्याहार का नाम लूंगा, आप प्रत्याहार से वर्ण बताएंगे, समय गस्ते जी महोदय। छव झव झ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ठ न न छव 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 छ छत्री व छव 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 आमोदे छ ठ थ च ट त क प न क प तो फिर कपैया हो जाएगा। आपने छ छ या बोला है ना महोदय? छ व व वकार छव। अच्छा, तो छ ठ थ च ट त, समय कैसे? चलिए अभी एक और बताइए स्वाति जी, आप ही बताइए, आपको बताना है। वल 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 व र ल य म ड ड न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह। चलिए सुंदरम निकुंज जी भवान वदतु। बस बस वाह वाह बा बा फॉर बॉम्बे बॉम्बे बस दिखाई दे रहा है। ब ग ड द ठीक है, बहुत सुंदर। एकम इतोपि वदतु। झष झ भ घ ढ ध सम्यक। झ भ घ ढ ध ध झष। भष इति वदतु। भष भ घ ढ ध भ घ ढ ध भ ढ ध सम्यक अस्ति। एवं प्रकारेण वयं प्रत्याहार इदानीम् अस्माकं पार्श्वे ट्रिक अस्ति, कश्चित् वदति झस् अण चक किमपि वदेत्, वयं तो ततः सूत्राणां निर्माणं करिष्यामः, सम्यक अस्ति? अहम् इदानीं सूत्रं वदामि, भवन्तः चैट बॉक्स मध्ये लिखन्तु यदि लेखितुं शक्नुवन्ति, सम्यक्? केवलं वर्ण लिखन्तु, इंग्लिश मध्ये भी अपि लेखितुं शक्नुवन्ति। वी फोर व टी फोर ट टी फोर ट अहम् वदामि अट
प्रत्याहार सूत्राणि अत्यंतम महत्वपूर्णमस्ति महत्वपूर्णानि सन्ति यतो हि प्रत्याहार विना यानम न चलति। ओ चैट अलाउ नास्ति हा कृतम मया अलाउ कृतम भवान पुनः वदतु कृपया एक बार अट इति अस्ति अट प्रत्याहार सूत्र द्वारा अट प्रत्याहार द्वारा कति वर्णा भवन्ति तान वर्णा लिखन्तु सम्यक् अट कर दिया है अनलॉक कर दिया है चैट बॉक्स ना ना अनलॉक कृतम अस्ति हाँ क्या किया है अभी कर सकते हैं लोग जी इंग्लिश में ये रियल रिक टाइप करना मुश्किल होता है जरा चलो कोई बात नहीं कागज पर लिख करके दिखा सकते जैसे पार्थ मनोहरी जी ने लिखा है कॉपी पेन लीजिए उस पर लिखिए कॉपी पर ऐसे दिखाइए तदा वयम सम्यक् करिष्यामः तदा पश्यामः सम्यक् वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। नमस्ते संजय महोदय हम वदामि वा ना संजय महोदय वदिष्यति संजय महोदय भवान वदतु अस्तु महोदय जी कह वदामि वदतु अट प्रत्याहार मध्ये कति वर्णाः भवन्ति त्रयोदश नामानि वदतु के सन्ति स्वरा है हा य व र हा य व र सम्यक् राजगोपालन महोदय नमो नमः नमो नमः भवान वदतु अश हर्ष हाथी का हा अकार अकार है अकार है ओके आ ई ऊ आई ऊ रील रू ए ओ आई औ हयवर ल यमगणना ज ज ब ग ड ध सम्यक धन्यवाद युगल किशोर महोदय स्वागतम भवताम यर इति प्रत्याहारे कति वर्णः सन्ति यर या वर रा त्रिणि या वर ना यार तो मोदे यर यर या रा यर हाँ तो या वर समय तो झाभाया में भी यकारः न भविष्यति समय जलपा रानी जी भवती वदतु यय यय य वर नमो नमः महोदय य वर ल यमं गणन सब घड द जब गड द कफ छठ थ चट त कप सुंदरम तर्हि इदानीं वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः यत् अस्माकं प्रत्याहार सूत्राणि सिद्धानि सन्ति। चंद्रन महोदय भवान एक बार अंतिमं वदतु पुनः अग्रे चलामः यय 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 अच्छा चंद्रन महोदय अनम्यूट करो तो अधुना
हाँ अनम्यूट हो गया। यवर ल न्यमांगन न जभ घड़ध जभ घड़ध मला मोदे अत्रे वाजी यय सम्यक यय अधुना प्रत्याहार सूत्राणि अस्माभिः निर्मितानि सन्ति। अग्रे प्रत्याहार सूत्राणाम् अग्रे उच्चारणं यथा यदा वयम् अच् इति वदामः तथा तत्र स्वरः हल इति वदामः व्यञ्जनानि इक् इति वदामः तदा भिन्न भिन्न वर्णः तत्र आगच्छन्ति। ये केऽपि वर्णाः अस्मभ्यम् अपेक्षितः तान् वयं तत्र स्वीकरिष्यामः। जो भी वर्ण हमें चाहिएंगे उन वर्णों को हम वहां से ले लेंगे। ठीक है अब हम आगे चलते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि छोटी सी तालिका मैंने बनाई है। जैसे कि जब हम कहते हैं नियम गणनम तो सारे के सारे जितने भी हमारे वर्ण वर्ग के पंचम अक्षर हैं क ख ग गंग च च ज ज ञ ट ठ ड ड ण त थ द जी। अभी आगे चलना है या 5 मिनट क्वेश्चन लेके फिर बंद करना सेशन? नहीं प्रश्न तो डेढ़ घंटा चलेगा ना, डेढ़ घंटा रहेगा 10:30 तक। तो जितने भी पंचम वर्ण है वो सारे के सारे यहाँ पर नियम गणनम में एक ही सूत्र में सारे के सारे पंचम वर्ण दे दिए हैं। ठीक है फिर जब हम कहते हैं ये झभय घड़धस इन दो सूत्रों में चतुर्थ वर्ग आ गया। ठीक है झभय घड़धस जब गड़दस में तीसरा खप छट थ दूसरा चट तव कपय इसमें प्रथम वर्ग। समय इसकी आवश्यकता ऐसे याद करने की रटने की है नहीं, अपने आप ही हमें क्लियर रहता है कि कौन सा वर्ण कैसे बनेगा। और आदिरंत्येन सहेता इस सूत्र से हमने प्रत्याहार अभी जो बनाए हैं कि अंत्य इत के सहित जो आदि वर्ण वह मध्य का बोधक होता है स्वयं का भी बोधक होता है यथा इक में ई ऊ री लरी। ठीक है ये इसी प्रकार से हमने इनके सूत्र बना अभी वो बनाए हैं। इत संज्ञा हो गई हमारी महेश्वर सूत्र हो गए अनुपूर्वी आगे जा रहे हैं क्या? चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं आज से अब से उच्चारण प्रत्याहार सूत्र। अब हम थोड़े से एक प्रश्न ले लेते हैं इसको हम उच्चारण को बाद में प्रारंभ करेंगे। प्रत्याहार सूत्र बनाने में ज्यादा उसकी व्याख्या में नहीं जाएं, प्रत्याहार सूत्र बनाने में किसी को कोई भी समस्या है या प्रश्न है तो एक मिनट के लिए दो मिनट के लिए आप रेज हैंड कर सकते हैं प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे। किसी को लगता है कि यण प्रत्याहार है मैं नहीं बना पा रहा हूं या कोई प्रश्न है किसी का कोई प्रश्न रेज हैंड कर सकते हैं। रीता महोदया प्रश्न अस्ति वा? जी रीता जी अनम्यूट करो तो। मैं नहीं बना पा रही मालूम मुझे समझ में कुछ नहीं आया। अरे बाप रे ऐसा कैसे हुआ क्या समझ नहीं आया आप बताइए? ये लोग वर्ण बोलते हैं तो क्या बोल कैसे बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी फिर से माहेश्वर सूत्र का अपना पीडीएफ दिखाना पड़ेगा। हाँ वही 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 जी आप ये देखिए ये माहेश्वर सूत्र है। हाँ। ये आपने देख लिए। हाँ ठीक है अयुण हाँ। इनको आप समझ लिए अयुण रिलरिक एवंग एओज ये 14 माहेश्वर सूत्र आपने क्रम से याद कर लिए। हाँ याद है आपको? ठीक है नहीं भी है तो अभी आपके सामने है। ठीक है अब जैसे कि आपने बचपन में एक सूत्र सुना था इको यणची है ना रीता जी सुना था कि नहीं? नहीं नहीं सुना। संधि में कहीं भी अच यण हल ऐसा कुछ सुनने को मिला कभी संस्कृत पढ़ी होगी तो जब हम सूत्र जैसे वृद्धिर आदेच
ये जो सूत्र हम पाणिनि अष्टाध्याय के जो भी सूत्र पढ़ते हैं, बहुत सारे पोर्दुर उपधात दुनिया भर के सूत्र हमारे सामने आते हैं पाणिनि अष्टाध्याय के, ठीक है। तो पाणिनि अष्टाध्याय में जब पाणिनि कहना चाह रहे हैं, एक सूत्र मैं आपको बताता हूं, इको यणची, कि इक जो प्रत्याहार के वर्ण है उनके सामने यदि अच होंगे उनके स्थान पर यण हो जाएगा, ठीक है। रीता जी इतना समझ आया? अब ये इक क्या है आपको ये समझना है, बस इतनी सी बात है, उस सूत्र को भूल जाओ कि कौन सा कहां होगा, आपको ये समझना है कि ये इक क्या है, यण क्या है और अच क्या है। क्लियर रीता जी? इक और अच, है ना। तो अब अच क्या है वो समझो आप, ये हमारे 14 प्रत्याहार सूत्र है, ऊपर से नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप, मैंने कहा अच, तो अब आप देखो इन सभी प्रत्याहार सूत्रों के अंत में न, क, ग, च, ट, ल, ये जितने वर्ण है सबके अंत में हलंत लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। हाँ, हाँ। जब भी हम प्रत्याहार सूत्र से प्रत्याहार बनाएंगे इनको हम भूल जाएंगे, इनको गिनती नहीं होगी, इसका लोप हो जाएगा, ठीक है। सभी के अंत का लोप, इनको मानो कि ये है ही नहीं, बस ये भूल जाओ, ये है ही नहीं, ये केवल गिनती के लिए है, ठीक है। मैंने कहा अच, तो अच कहते ही अ, ई, अब अच कहते ही आप देखो इस पूरे की पूरी वर्णमाला में अ कहां है, तो प्रारंभ में है, आई में, ठीक है। और च कहां है, ये रहा देखो च, हाँ। तो आस और च के बीच में जितने वर्ण है वो सारे के सारे अच प्रत्याहार में आ जाएंगे, क्लियर। जैसे हाँ, ना को तो भूल गए हम, क्योंकि नहीं, वो ना, रूल रू ए ओ ए औ, हाँ। तो ये क्या हो गया अच, अच में कौन कौन से वर्ण है, अ, ई, उ, रि, रि, ए, ओ, आई, औ, क्लियर। क्लियर। अब मैं कहूं आपको, आप बनाओ इक प्रत्याहार, इक, अब देखो ई कहां पर है, इक प्रत्याहार इन्हीं इन्हीं में ढूंढो, ई कहां पर है, आयुण में है ना, ई, हाँ, तो बोला पहले में ही, हाँ, 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 ई हो गया, हाँ। तो अब इक बनाना है आपको, इक में कौन कौन से वर्ण है आप बताओ, इक में जैसे आप रूल रू, हाँ, तो रू, ई को भी साथ में लेना है, इक बनाएंगे तो ई को छोड़ना नहीं, ई रूल रू, हाँ बस बन गया, बहुत सुंदर। अब आप बताइए अण, 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 अ कहाँ है और ना कहाँ है, पहले में ही है, हाँ, अ, ई, उ, अ, ई, उ, उ, ठीक है। चलिए अब आप बनाइए अक, 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 अक में तो बहुत आया जाएगा, नहीं नहीं कहाँ आएंगे, अक का, अ कहाँ है और क कहाँ है, ओ, अ, ई, उ, रूल, रू, बस अब आप समझ गए, हाँ। इतना आसान है। अब मैं एक छोटा सा और प्रत्याहार करके फिर आगे चलते हैं। अब मैंने कहा य, 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 ठीक है, य, अब ये देखो इन सारे प्रत्याहार में य बीच में कहाँ है, देखो ये रहा कहाँ पर है, हाँ, तो बस बस ये रहा य, यहाँ से शुरू करके और लास्ट में य कहाँ है, कपाई, कपाई, कपाया, कपाया, ठीक है। तो यानी इस य से लेकर के इस य के य ब ग ड द ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प, ठीक है, क्लियर हो गया, अब आपको समझ आ गया, आ गया। तो ये जो वर्ण बोले जा रहे थे वो यहीं से बोले जा रहे थे,
चलिए अब हम आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि प्रत्याहार को कैसे बनाने हैं, किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, उनमें अब किसी को कोई समस्या नहीं रहेगी। जी संचिता जी बताएं। नमो नमः महोदय। एक अण है जो पहली लाइन में है अ ई उ, और दूसरा अण है जो छठी लाइन में है। हाँ ठीक है। हाँ तो अब ये कैसे समझेगा कि कौन सा अण के बारे में आप बोल रहे हैं, मतलब अ ई उ वाला ही लेना है या पहली लाइन के अ से लेके छठवीं लाइन के ण तक बोलना है? एक सेकंड वो गलत लिखा होगा फिर इसका मतलब अण। संचिता जी आपको फर्स्ट अण वाला तो लास्ट में तो हलंत हो जाएगा ना, उसका लोप होगा, आपको यू होगा ऐसा। एक सेकंड, एक प्रत्याहार एक बार ही बनेगा, यहाँ पर गलत है, वो प्रारंभ का ही वाला है, ठीक है? अच्छा, आप समझ रहे नहीं, अण ये भी है हाँ। लेकिन आपको अण यदि हम कह रहे हैं, अच्छा दो प्रश्न यहाँ पर आ गया, आपकी बात से बिल्कुल ठीक आपसे ही कह रहे हैं, आपका अण भी वैसा ही है, इण भी वैसा ही है हाँ। चलिए इसका अभी मुझे भी जानकारी नहीं है, मैं इसको एक बार क्लियर करके कल बताऊंगा आपको, ठीक है? सम्यक महोदय। आपका प्रश्न उचित है कि भाई यहाँ आपने यहाँ पर कहा अण, तो अण तो ये भी हो गया और अण लण भी हो गया, तो ये कहाँ पर प्रयोग हुआ है, विशेष प्रयोग होगा, इसका मैं आपको पता करके बताऊंगा, ठीक है? चलिए प्रीता पटेल जी। हाँ महोदय, यदि आप यण बोलते हैं तो य और अण को भी गिनना है जब हम, हाँ नहीं, यण हम यण बोल, हाँ यण बोलते हैं तो अण को नहीं गिनेंगे, य को गिनना है। हाँ य को गिनना है। अच्छा लास्ट वाले को नहीं गिनना है? लास्ट वाले को नहीं गिनना है, पहले वाले को गिनना है, ठीक है? नहीं हलंत ना हो तो भी नहीं गिनना है। यदि हलंत नहीं है तब गिनेंगे, और लास्ट वाले में सब में हलंत ही होगा, ये बात तय है। हाँ, हाँ, वो तो नहीं गिनना है, पर बीच में अण है तो उसको हाँ, गिनना तो है। हाँ तो वो गिनना है ना, बिल्कुल गिनना है। हाँ तो यानी यण होगा तो यण में वो अण पूरा है, हलंत नहीं है, तो उसको गिनना है हमें गिनती में। बिल्कुल गिनना है हाँ, धन्यवाद महोदय हाँ। लेकिन जब यण की बात करते हैं तो वहाँ यण लास्ट में हलंत वाला है, तो लास्ट वाले हलंत वाले को नहीं गिनेंगे, ठीक है ना? लास्ट वाले को नहीं गिनेंगे, पर बीच में आएगा तब गिनेंगे, बीच वाले को गिनेंगे, बिल्कुल जी। स्मिता जी। ये जो माहेश्वर सूत्रों के 42 प्रत्याहार है उसमें जो बीच की लाइन है ना, वो मेरी समझ में नहीं आ रही है, वो अण से एक, क से तीन, वो क्या लिखा है, वो क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाणिनि अष्टाध्यायी जो हमारा ग्रंथ है जिसका हम अध्ययन करेंगे, उसमें सूत्र है, ठीक है? सूत्र वर्णों शब्दों से बने हैं, तो उसमें बीच बीच में अण, अक, एंग है ना, एंग पदांता तति अत अच, इस प्रकार के प्रत्याहार आते हैं, ठीक है? तो पाणिनि अष्टाध्यायी में केवल 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है पाणिनि ने, ठीक है? अब अयुण ये जो एक प्रत्याहार सूत्र है, इस प्रत्याहार सूत्र से पाणिनि ने केवल एक ही प्रत्याहार का प्रयोग किया है। हम यदि चाहें, क्योंकि हमारे पास अब तकनीक है प्रत्याहार बनाने की, तो हम इससे इण भी बना सकते हैं, किंतु इण तो कहीं पर पाणिनि ने प्रयोग नहीं किया, तो हम क्यों बनाएं? हम इससे उण भी बना सकते हैं, ऊ ना उण, मतलब यहां पर ऊ का ही ग्रहण करना चाह रहे, ऊ ही बताना चाहे तो उण बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि पाणिनि ने केवल एक ही प्रत्याहार का यहां पर प्रयोग किया है अपनी पाणिनि अष्टाध्याय में, इसलिए यहां पर एक हमने लिखा है कि आई उण से एक, रिल रिक से, क से तीन, ठीक है? अक यानी जो क अंत में है, इससे उन्होंने तीन प्रत्याहार बनाए हैं, अक, इक, उक, ठीक है? हाँ, हाँ। नहीं तो हम यहाँ पर, आप
देखो हम तो हर वर्ण के साथ भाई क हमारे पास में कभी बना लिया अक इक उक रिक लरिक हम कुछ भी बना ले पचास बना ले किंतु पाणिनि ने तो प्रयोग नहीं किए। आप बना सकते हैं आपके पास तकनीक आप स्वतंत्र है जब आप अपना ग्रंथ लिखे तो बना सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं किंतु पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय में केवल क वर्ण से तीन प्रत्याहार का प्रयोग किया है। वो कैसे याद रखना है वो क्या हमें कोई याद नहीं रखना है। अच्छा हाँ नमो नमः धन्यवाद धन्यवाद नमो नमः है क्या। देखिए दो बातें हैं जब पाणिनि ने कहीं पर भी कुछ भी कहा कहीं पर कहा अक यण अच एंग झस झब घट कुछ भी पाणिनि बोल रहे हैं तो उन्होंने कहा अक ठीक है हमारे पास प्रत्याह सूत्र है हमने उठा लिए अ ई उ रि लि। उन्होंने कहा जश तो हमने ले लिया जब ग तो जो सूत्र है उसमें वर्ण हमने उठा लिए हमने अलग से तो कोई सूत्र की रचना नहीं करनी है। अगर हमें कोई अलग से सूत्र की रचना करनी होगी तब हमें लगता है कि भाई पाणिनि ने 42 प्रत्याहारों की रचना की थी मैं जो है एक एक का भी कर इन भी कर लेता हूं कि कोई संधि ऐसी कोई शब्दावली ऐसी मिली मुझे कि मैं ई और उ इन दोनों के संबंध से कुछ ई के स्थान पर कुछ भी मैं बना सकता हूं तो मैंने बना लिया। तो तब आप नई प्रत्याहार नया प्रत्याहार बना सकते हैं उसके अनुसार वर्ण ले सकते हैं किंतु हम तो पाणिनि के अष्टाध्याय का अध्ययन कर रहे इसलिए वहां आप एक सही नहीं है ठीक है। चलिए रविंद्र जी दूसरा जो ट्रांसपेरेंसी है ना आपने जो इसके बाद में जो बताया वो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा इसके बाद में जो स्लाइड बताई ना आपने येलो वाली उसे छोड़ दीजिए उसे वो आवश्यकता नहीं अपेक्षित नहीं है वो कुछ आपने जो ग्रुप बताए ना अच्छा वो ग्रुप बताए वो रटने वाली बातें होंगी इसलिए उसको अभी आप ना ही देखे तो बेहतर है। जब हम प्रयत्न की बात करेंगे उसकी आवश्यकता तब पड़ेगी हम तब उसको याद करेंगे ठीक है अभी उसे रहने दीजिए। ओके थैंक यू। ज्योति जी महोदय नमो नमः स्लाइड मध्ये टाइटल मध्ये द्वयचत्वारिंशत् प्रत्याहार लिखति परंतु अत्र केवल चत्वारिंशत् अस्ति द्वय न्यून अस्ति। कोई बात नहीं मिस हो गए होंगे आप खोज लेना कौन से नहीं थे आप खोज लीजिएगा कौन से छूट गए हैं आप देख लीजिएगा ठीक है। चलिए सुनीता श्रीरामन जी सुनीता जी नमस्ते नमस्ते महोदय वही पूछना था वो 40 और 42 का टैली एक जगह हो नहीं रहा दूसरी एक बात है कि अण और इण दोबारा आए हैं अण और इण दोबारा आए हैं और तीसरी बात ये है अण को तो मैं देखूंगा अण को तो मैं देखूंगा अण और इण को इनको मैं एक बार कंफर्म करके तब मैं बताऊंगा इसलिए मतलब चार खोजने हैं और 12 नंबर का सूत्र जो है कपय उसमें य से लेकर चार लिखा है इस स्लाइड में और प्रत्यक्ष में लास्ट कॉलम में पांच य मय झय खय चय लिखा है। अच्छा तो ये करेक्शन करनी है ठीक है वो मैंने भी उसी पुस्तक से लिया उस पुस्तक में इतना ही लिखा था तो मैंने भी बिना दिमाग लगाए उठा दिया मक्खी के ऊपर मक्खी मारी है तो उसमें शल शल लास्ट में शल प्रत्यय ऐड होगा उसमें शल बाकी है। हाँ तो मैं उसमें देखूंगा इसमें जो 42 है तो कहीं ना कहीं उसमें एक तो जैसे मैं आपको देखूं यहाँ पर आई औच टूट गया है तो यहाँ पर मिला हुआ है मुझे मैं देख रहा था चौथा सूत्र है तो यहाँ पर एज तो एज भी होगी एक यहाँ पर है एक और कहीं लास्ट में शल बाकी है। हाँ लास्ट में शल बाकी है ठीक है चलिए इसको अभी ठीक कर देते हैं है ना। एक तो ये आ गया आपका 40 हो गए जी मतलब आप इनको गिन रहे थे तब से बैठ करके चलिए एक ही हो गया आपका हो गए जी अब 42 आपके पूरे हैं धन्यवाद आपका ध्यान दिलाने के लिए। कुल मिलाकर के ये आपको याद भी नहीं है मैं आपको बताऊं ये जिंदगी में शायद पहली बार मैंने इन प्रत्याहारों की संख्या मुझे याद आई होगी 42 है कि 44 है 48 है इसका कोई असर नहीं पड़ता केवल सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता कंपटीशन के लिए तो इनका काम हो सकता है कि कोई प्रश्न आए कि कितने प्रत्याहार
प्रत्याहार सूत्रों से बनाए जाते हैं। बस ये कंपटीशन के लिए तो ठीक है कि वहां पर आपने क्वेश्चन लिया 42, 44, 45, 40 तो आपने टिक कर दिया 42। इनको प्रयोग याद करने के लिए इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब पाणिनि आपको कह रहे हैं कि अक लाओ, हल लाओ, शल लाओ, तो आपके पास प्रत्याहार सूत्र है, वहां से आपको तुरंत ही तुरंत बना करके लेकर आने होते हैं, हर बार लेकर के आने होते हैं। तो पाणिनि यदि आज जीवित होते और हो सकता है कि उन्हें लगता कि एक प्रत्याह और बनाना था, तो एक सूत्र और बनाते, एक प्रत्याह लिया तो 42 की जगह 43 हो जाते, ठीक है। दो साल और बाद में जीते तो हो सकता है कि एक प्रत्याह और लेकर के आते तो वो 44 हो जाते, भी 45 हो जाते, ठीक है। तो इसलिए उनको जानना नहीं, प्रक्रिया अपेक्षित है। यदि प्रक्रिया हमारे हाथ में है, ये तरीके की फैक्ट्री है, यानी आप प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया जान गए तो क्या हजारों क्या लाखों प्रत्याहार बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आनंद रामकृष्ण जी। नमस्कार महोदय। नमस्कार महोदय, ये एकदम इत संख्या किम अस्ति, कृपया पुनः एक बार वदतु इत संख्या। इत संख्या बस इतना अभी आप समझिए, बाकी हम इसके 9 सूत्र हैं, इत संज्ञा का पूरा प्रकरण और एक पूरी कक्षा होगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो हलंत जो प्रत्यय होते हैं, या ये जो आगम है, आदेश है, धातु है, उनमें जो हलंत्य शब्द है, जैसे न, क, इंग, च, ये हलंत्यम इत संज्ञक, इनकी संज्ञा इत है, इनको हम इत कहते हैं, ठीक है। और हलंत्यम इत संख्या, हाँ, और इनका लोप हो जाता है, आप समझ रहे हैं, और इनका लोप हो जाता है, बस इतना आप समझ लीजिए। तस्य लोपः सूत्र है, उससे लोप हो जाता है, किसका, हलंत्यम, हल है जिसके अंत में, यानी ये प्रत्याहार है उसके अंत में हल है, हलंत्यम, हलंत जिसके अंत में है, यानी ये हलंत वाले जो वर्ण है ये इत संज्ञक कहलाते हैं। वो किस प्रकार से कहेंगे, उसके 9 सूत्र है, उन 9 सूत्रों का हम वर्णन जब इत संज्ञा का प्रकरण करेंगे तब हम वहां पर विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। अभी आप कितना समझिए कि इत संज्ञा जो हलंत वाले हैं उनकी इत संज्ञा है, उन्हें इत कहते हैं, और वो इत गायब हो जाते हैं, लोप, ठीक है, लोप हो जाते हैं। चलिए धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते। सुरेश वीरानी जी। नमस्कार महोदय, नमो नमः। आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। 11वां महेश्वर सूत्र है ना? अंतिम हलंत निकालने का वही, तो ह फ छ ठ च त त व, तो वो दोनों निकालने का, सिर्फ व को निकालने का। फिर से कहिए। हाँ, 11वां महेश्वर सूत्र है ना? हाँ हाँ हाँ, अंतिम हलंत वर्ण को निकालने का होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। तो वो दोनों को निकालने का, सिर्फ व को निकालने का नहीं, भ रहेगा, जितने भी अंतिम वर्ण है केवल वो निकलेंगे, बीच के वर्ण नहीं निकलेंगे। तो रहेगा ना, तो रहेगा, हाँ तो रहेगा, तो फ छ ठ थ च ट त, ये रहेगा, वो निकलेगा। हाँ वो निकलेगा, बिल्कुल जी। चलिए धन्यवाद। संजय महोदय। अस्तु महोदय, भगिनी ने पूछ लिया, ठीक है। इसमें जो महाशय ने लिखा है कि माहेश्वर सूत्रों में 42 प्रत्याहार बनते हैं, हाँ। और अगर हम इस 14 को गिनते हैं टोटल नंबर को, तो ये 41 होता है। अच्छा, जैसे दूसरे कॉलम में जो है वो 41 होता है, 1, 3, 1, 4, 1 उसे रहने, उसे उसे छोड़ दीजिए, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्तु महोदय। वो हाँ जी, वो गिनती ऊपर नीचे हो सकती है। सुधा महोदय। नमस्ते। नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय। सर महोदय, अभी वो संचिता मैडम ने जो बोला था ना, तो न एंडिंग विद न, तो पहला जो है ना अ ई उ ण,
अण से लेके एक एक है और छठा है लण, ण से लेके तीन है, तो मुझे लगता है उधर उसका जवाब होगा किधर? कौन सा वाला ण करना है? इधर फर्स्ट इसमें क्लियरली लिखा है अ ई उ ण से, ण से लेके एक ही है, और लण छह वाला में लण है, उसमें ण से लेके तीन है, तो अण इण और यण, उसमें शायद संचिता मैडम को उनका जवाब मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो प्रश्न अभी प्रश्न बना हुआ ही है, मेरे लिए भी प्रश्न है कि क्योंकि अ से लेकर के ऊपर भी तो अण है और नीचे भी अण है, तो पाणिनि ने एक ही चीज को दोबारा ऐसा कहा, क्यों कहा गया है, तो उसका जानना मेरे लिए भी जरूरी है। मैं अभी इसमें क्लियर नहीं हूं, तो इसलिए मैं उसे नहीं बोलूंगा उसमें, ठीक है? चलिए, मिल जाएगा प्रश्न, अगली कक्षा में इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है? मनीष, हाँ मनीष शर्मा जो मनीष जी है ना हमारे बीच में, मैं तो भूल ही गया था। मनीष जी माइक अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए इसका। प्रणाम मनीष जी। हाँ, प्रश्न ये है कि जो प्रत्याहार सूत्र है इसमें माता जी ने अण दो बार गिनती किया है, अण जो प्रत्याहार है वो दो बार बनता है हमारा, हाँ दो बार बनता है, हाँ दो बार क्यों है, उनका प्रयोग कहाँ होता है, वो थोड़ा सा उस पर वो बताएं। जो पहला अण प्रत्याहार है पूरे व्याकरण शास्त्र में, जो पहला अयुर्कीर्ण तक है वो प्रत्याहार बनता है, और जो दूसरा ना है वो केवल मात्र एक सूत्र के लिए बनाया है, और वो सूत्र है अनुदित सवर्ण सा प्रत्यय। हाँ ठीक है ठीक है, उस सूत्र के लिए ही केवल उन्होंने बाद वाले अण को माना है, और हर जगह जो अयों का ना है वो ही माना जाएगा। अच्छा, तो जब भी हम अण यदि सभी जगह पर अण आता है तो हम वो पहले वाले अण को मानेंगे या दूसरे वाले अण को मानेंगे? जी पहले वाले को, हर जगह पहले वाले को मानना है। तो उरण रपरा में आता है ना? जी उरण रपरा में आता है, और कई जगह बहुत जगह आता है, ठीक है। पर लेकिन जब सूत्र आएगा अनुदित सवर्ण सा प्रत्यय आएगा ना, सूत्र में ही केवल हमें बाद वाले नाटक लेना है। अच्छा ठीक है, एक दूसरा प्रश्न और भी आया था कि इसमें इण भी आया है, छठे वाले उसमें इण भी आया है, इन प्रत्याहार, लेकिन इन तो अगर हम बनाना चाहे तो प्रारंभ वाले में भी बन सकता है, ई उ ण इन प्रत्याहार प्रारंभ वाले में भी बन सकता है, पर लेकिन इन प्रत्याहार बाद वाले का ही बनता है हमेशा। अच्छा ठीक है, बात देखिए बात किसलिए क्या है, हमको जैसे हम अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार में हमने दो वर्ण आए ना अ और च, तो हमको अच बोलने से दो हमें दो वर्ण दो शब्द दो वर्ण बोले, पर हमें कितने शब्द वर्णों का ज्ञान होता है, बहुत सारे वर्णों का, जैसे नौ वर्णों का ज्ञान होता है, आ का ई का उ का, इन सब का ज्ञान होता है, हमें दो वर्णों के उच्चारण से नौ वर्णों का ज्ञान होता है, और यदि हम इण प्रत्याहार बनाते हैं तो इण में भी दो है ई और ण, और उनके ज्ञान कितने का होता, उनके ज्ञान भी दो का ही होता है, जब मतलब प्रत्याहार बनाने के बाद भी दो का ही ज्ञान हो रहा है तो उन्हें बनाने की क्या जरूरत है, प्रत्याहार बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है? मतलब इसकी थोड़ी वो है, ज्यादा व्याख्या है इसकी, पर लेकिन जो इण प्रत्याहार है वो बाद वाले नाटक ही लिया जाता है। अच्छा ठीक है, चलिए, तो जो इसका मतलब है अभी दो चीजें हमारी क्लियर हो गई, पहली क्लियर तो ये हुई संचिता जी और बाकी सभी के लिए भी कि हमारा जो ये पहला अण है और ये एक बाद वाला अण है, ठीक है, ये दोनों अण, ये दूसरा जो अण है ये केवल एक सूत्र के लिए ही पाणिनि के प्रत्याहार में बना है, केवल एक एक सूत्र है जहां पर इस अण का प्रयोग होगा, यानी कि जब हम उस सूत्र को पढ़ेंगे वो सूत्र है अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, यहां पर जब हम अण को पढ़ेंगे तब हम इस अण को पढ़ेंगे, यानी कि वहां पर हम पढ़ेंगे अ ई उ रिल रि ए ओ ऐ ओ ह य व र ल, तब वहां पर हम इस अण को पढ़ेंगे, लेकिन बाकी जहां पर भी अष्टाध्याय में हम अण पढ़ेंगे तब हम इस अण को ही पढ़ेंगे अ ई उ, एक बात क्लियर। दूसरी बात कि जो हमारे यहां पर देखो इन जो प्रत्याहार आया है, इस इन प्रत्याहार में
हम यहां से भी कर सकते थे ई ऊणा, लेकिन यहां पर नहीं किया। तो इड प्रत्याहार में जब भी हमारा आएगा वो दूसरा ही आएगा, प्रारंभ वाला नहीं आएगा। ये यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि इन प्रत्याहार की जब भी हम गणना करेंगे तो प्रारंभ से ई ऊ री ली, तब हम इस नकार की गणना वहां पर नहीं करेंगे, हम यहां पर लण वाले नकार की गणना करेंगे। ये यहां पर कई जगह पर जैसे इणह शिध्वंग लुंग लिटाम धोंगात इत्यादि सूत्रों में इस इण का प्रयोग प्रारंभ से लेकर के इस नकार तक का प्रयोग यहां पर होता है। क्लियर हो गया? चलिए संध्या गुप्ता जी आप कुछ पूछ रही हैं? आम महोदय, ये जो कपय वाला है या से चत्वारी दिया हुआ है, लेकिन यय मय झय खय चय एक ज्यादा है। अच्छा, यय मय झय खय चय, तो फिर यहाँ पर ये पांच कर लो तो 42 की संख्या हो जाएगी, वो हमारी घट करके 41 हो रही थी ना। हाँ मैम। कहाँ पर आई कपय? 12 द्वादश। तो जी अब आप गिन करके देखना, शायद हो सकता है कि हमारी संख्या पूरी हो गई होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद कल्पना जी आपका प्रश्न था। रंजनी नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः महोदय। ये है वरट और हल में मुझे नहीं समझ आया, स्पष्ट नहीं हुआ कि है हल प्रत्याहार जब हम लेंगे तो है वरट का हा भी मतलब है वरट का हा लेंगे तो हल का हा क्यों छोड़ेंगे, ये तो बीच में आ रहा है, ये नहीं मुझे समझ आया। हाँ तो उसमें ये छोड़ेंगे जब हम हल की बात करेंगे। मनीष जी है क्या? ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है। मनीष जी रेज हाँ अनम्यूट कीजिए जी। हाँ जी सर, है वरट के हल प्रत्याहार में देखिए जो है वरट दो का भी है दो का हा भी आएगा, ये हमने दो हा बनाए ना जी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर हल प्रत्याहार हम बनाते हैं और उसमें दोनों हा आएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत कहाँ है कि दो हमने हा क्यों बनाए हैं, प्रश्न ये होता है कि दो हा बनाने का कारण ये है कि कुछ प्रत्याहार बनते हैं अश प्रत्याहार, जिसमें अश प्रत्याहार में हमें हकार की जरूरत होती है। अश प्रत्याहार कहाँ से बनता है? अयोन के अकार से लेकर के जब अगड़ दश के शकार तक बनता है, तो उस अश प्रत्याहार में हमको हा का भी ग्रहण करना है, इसलिए हमने हय वर्ण में हा पढ़ा है। और अब कुछ प्रत्याहार ऐसे बनते हैं जैसे कि झल झल प्रत्याहार है, अब झल प्रत्याहार में कहाँ से बनेगा? झवई के झा से लेकर के हल के ल तक बनेगा, अब उसमें भी हमको हकार का ग्रहण करना है, तो इसलिए वहां पर भी दो वर्ण हकार पड़ा है। तो हकार पड़ने का कारण यही है कि मतलब अन्य प्रत्याहारों में जो हम 42 प्रत्याहार बना रहे हैं उनमें कुछ प्रत्याहार ऐसे होते हैं जिनमें हमें हकार की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने पहले हायवर्ण में हा लगा दिया और कुछ प्रत्याहार में बाद में हा की जरूरत पड़ती है, हाल में हा बनाया है। ठीक है कल्पना जी उत्तर मिला? ध्वनि स्पष्टम नासी। अच्छा अभी मनीष जी ने अभी बताया कि जैसे कि हमें अश प्रत्याहार बनाना है, हल वहां पर दो इस प्रकार के कारण हुए हैं, हल तो दो बार बन ही जाएंगे लेकिन ह दो बार इसलिए आया है, हमें बनाना था अश प्रत्यय अश है तो अश में अच भी है और ह भी है, हमें ह भी लेना था इसलिए यहाँ पर ह को बीच में दिया गया है। अच्छा अच्छा ठीक है धन्यवाद महोदय। स्वागतम। मंजू बैद जी मंजू जी uh,
सुमन ना ना ये क्या नाम आशा मुदगिल जी नमो नमः आचार्य मेरा संशय दूर हो गया जी ठीक पहले के डिस्कशन युगल किशोर महोदय दो ही बनेंगे वैसे एक ही बनेगा तो इसमें कोई निर्माण की कोई प्रक्रिया भी होती है क्या कि मतलब उन्होंने मत इस्तेमाल किया उतना ही मत इन्होंने यूज किया यहाँ पर आपका प्रश्न आप आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है उनका विशेष प्रयोजन है क्योंकि पाणिनि ने जिन सूत्रों की रचना की और वहां पर जिन वर्णों के आधार पर ध्वनियों में परिवर्तन होना था उन परिवर्तन के आधार पर नकार से उन्होंने केवल एक प्रत्याहार बनाया अण जिसके आधार पर इन वर्णों का ग्रहण होना था ठीक है और ऐसे ही क से बनाए तीन अक इक उक तीन ही प्रत्याहार पाणिनि को चाहिए थे इसलिए तीन बनाए ठीक है ये प्रयोजन उनका महत्वपूर्ण था प्रत्याहार तो यहाँ से लिरिक भी बन सकता है लिरिक बना लेंगे लेकिन उससे हमारा पाणिनि अष्टाध्यायी अध्ययन का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि पाणिनि को केवल तीन ही चाहिए ज्यादा नहीं चाहिए पाणिनि को केवल 42 चाहिए इसलिए हम केवल 42 ही बनाए हमारे मस्तिष्क में प्रक्रिया स्पष्ट हो कि बनते कैसे हैं तो जब भी पाणिनि बात करे तो हमें वो क्लियर हो कि उन्होंने अगर अश कहा है तो अश में कौन से वर्ण आने चाहिए ये प्रक्रिया हमें क्लियर होनी चाहिए ठीक है जी श्यामला जी लोग भी है इसमें हेलो हाँ हाँ मनीष जी जी एक श्लोक भी है कि कोई कहे कि का से इतने ही क्यों बनेंगे तो श्लोक है एकस्मान गयण वटाह द्वाभ्याम शह त्रिभ्य एव कणमास्युः ज्येयौ त्रयौ चतुर्भ्यो रहा श्लौ षड्भ्यः लव पंचभ्यः श्लौ षड्भ्यः ये श्लोक है इसमें बताया गया है कि एक मतलब एकस्मान न या न और व और टा इनसे एक एक प्रत्याहार बनता है एकस्मान गयण वटाः द्वाभ्याम शः जो श प्रत्याहार है मतलब अंतिम वर्ण है हमारा श उसके दो प्रत्याहार बनते हैं तो देखिए जो इसमें हमारा जो श है ना मूर्धन्य षकार इसके हमारे दो प्रत्याहार बने ना हाँ। अब आया तीसरा आया त्रिभ्य एव क ण और म तो देखिए इसमें देखिए तीन बने ना क से तीन बने हैं अणा से तीन बने हैं और माँ से तीन बने हैं फिर आखिर आया ज्येयौ चयौ मतलब च और या से चार चार बनेंगे ठीक है तो ये जो हमने जो आपने या में पांच बनाए हैं ये बनेंगे चार ही पर एक सूत्र के द्वारा बनता है तो प्रत्याहार में चार ही बनते हैं या से ठीक जो इसमें लिखा है ना चय प्रत्याहार ऐसे कोई एक प्रत्याहार उस सूत्र के द्वारा है सूत्र या उणादि कोष के द्वारा अच्छा, फिर अच्छा। आया लव पंचभ्यः रा से पांच प्रत्याहार बनते हैं ठीक है और शलौ षड्भ्यः श और ला से छह प्रत्याहार बनते हैं अच्छा, देखिए शा में छह बने हैं और ला में छह बने हैं तो ये श्लोक है वही बता देता है कि किससे कितने किस अंतिम वर्ण से कितने प्रत्याहार बनेंगे तो इसे मिलाकर पूरे 41 प्रत्याहार बनते हैं इस श्लोक के द्वारा अच्छा ठीक है तो इसलिए वहां पर उन्होंने चार लिखे थे और जो चय है वो विशेष है किसी एक अलग सूत्र से है ना तो हमें वहां पर चार ही करने चाहिए फिर है ना अब ये अभी ध्यान नहीं है मेरे को कि चय है कौन सा है मैं देख के बता दूंगा बाद में ठीक है ठीक है इनमें से कोई एक सूत्र के द्वारा होता है हाँ ठीक है ठीक है चलिए सुधा जी आप कुछ कहना चाह रही थी सर महोदय वो नंबर चार में ए औ च उसमें च से चार लिखा है और च इच ए च वहां चौथा कौन सा है आईच है ना आईच है क्या ओके थैंक यू हाँ हाँ आईच हाँ ठीक चलिए कृष्णकांत जानी जी
नमो नमः महोदय। नमो नमः। अत्र पाठनावसरे पाणिनिष्ठाध्याय इत्यस्य ग्रन्थस्य सूत्राणि कण्ठस्थीकरणीयानि वा एवमेव? अधुना मास्तु, प्रकरण अनुसारे वयं सूत्राणि अपि कण्ठस्थीकरणं करिष्यामः। अद्य यथा महेश्वर सूत्राणि अस्माभिः कण्ठस्थीकृतानि, यदा अग्रिम कक्षायाम् आगच्छामः पूर्वम् आगच्छामः कण्ठस्थीकरणं कृत्वा एव आगच्छामः। ठीक, दो दिन है हमारे पास इन 14 सूत्र को याद करके आएंगे। तो इसी प्रकार छोटे छोटे प्रकरणों में, जैसे हम जब हम इत संज्ञा पढ़ेंगे तब हम 9 सूत्रों को याद कर लेंगे, है ना, जब हम दूसरे प्रकरण को पढ़ेंगे तब हम 10 सूत्रों को याद कर लेंगे, करेंगे सारी अष्टाध्यायी को याद, किंतु हम छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे। ठीक है, तो याद सारी किंतु छोटे छोटे प्रकरणों में करेंगे। सम्यक अस्ति? चलिए। आम आम, सम्यक, समीचीन। नमो नमः। नूतन कुलश्रेष्ठ महोदय। महोदय, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जहां पर इनकी संख्या का प्रश्न है वो केवल हम प्रक्रिया समझने के लिए ध्यान में रखें, और जहां पर्टिकुलर वो वाला अर्थ होता है तो दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सूत्र ओनली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अब दो चीजें आई हैं, जैसा भी मनीष जी के साथ भी चर्चा हुई कि हम 42 प्रत्याहार को ही हमारे मस्तिष्क में क्लियर होना चाहिए कि 42 प्रत्याहार हमें पूरी पाणिनीय अष्टाध्याय में प्रयोग करने हैं, तो वे 42 कौन से हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ठीक। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया से तो आप जितने चाहे उतने बना ले, किंतु पाणिनीय अष्टाध्याय में केवल 42 है, और वे 42 कौन से वो हमें क्लियर होने चाहिए। ठीक है सर। इसी के साथ ही वो जो एक कंफ्यूजन हुआ था ना अड़ का, जो आई उड़ में भी है और लड़ में भी है, तो फिर उन्होंने पर्टिकुलर सूत्र बताया था जो अड़ोदित वाला है ना, तो जो अड़ोदित सूत्र जब हम पढ़ेंगे तभी हम उसका दूसरा अर्थ लेंगे। बिल्कुल, जब हम अनुदित सावरण से चाप्रत्यय सूत्र है, जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम अ से लेकर के ल तक वर्ण को उसमें, है ना, अदरवाइज अ ई उ ऋ से काम चलेगा। बिल्कुल, नहीं तो प्रत्याहार ही मुख्य रहेगा। जी ठीक, थैंक यू। श्यामला देशमुख जी। महोदय, पहली कक्षा में जो जीवा मूल्य का जो बताया आपने आधा विसर्ग वाला, तो बालक का हम बोलते हैं, तो बालक ऐसा कैसा, वो थोड़ा सा, और उपदमानिया में भी आधा विसर्ग आता है तो वो थोड़ा सा समझाना। जिह्वा मूल्य, अभी जब हम इसको, अभी मैं इसको स्पर्श नहीं करता हूँ, जब हम उच्चारण सीखेंगे तब आपको स्पष्ट और हो जाएगा। ठीक है, अगली कक्षा हमारी उच्चारण स्थान पर है, आज समय हो गया, आज प्रारंभ करना था लेकिन अब होगा नहीं, तो हम रविवार को फिर मिलेंगे, तो रविवार को हम जिह्वा मूल्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। जी युगल किशोर जी। महोदय, अभी जो महेश जी ने एक सूत्र बताया कि मत इसके साथ में इतने मत प्रत्याहार बनेंगे, उस सूत्र का नंबर बता पाएंगे? वो सूत्र नहीं, वो तो श्लोक है। हाँ, श्लोक का पाणिनिष्ठाध्याय का सूत्र नहीं है, श्लोक है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, उनसे लेकर। धन्यवाद महोदय। अगर मैं फोटो भी खींच करके वैसे भेज सकता हूँ, चलो मैं आपको फोटो खींच करके ना व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी स्मिता जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड, आपको लिंक पहुंचा होगा मेल से, आप स्वयं ऐड हो सकती हैं उसमें। वो कैसे, वो मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो कोई नहीं, आपको मेल आया होगा, मेल से आप मुझे अपना नंबर भेज दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। आपका नंबर मेल आई होगी आपको, जहाँ से ये लिंक मिला होगा। आया है, वो तो आया है। हाँ, तो उसी मेल पर आप वापस भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, आप ऐड हो जाएंगे। अच्छा, थैंक यू सर। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करें मुझे लगता है।